नमस्कार दोस्तों, सूरज का स्कूल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि वर्ड फाइल को पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए आप ये वीडियो पूरा देखें ताकि आपको समझ में आए स्टेप बाय स्टेप कि वर्ड फाइल को हम पीडीएफ फाइल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियो जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंच सके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये हमारे पास कोई वर्ड फाइल खुला हुआ है, इसमें हम चाहे तो कुछ लिख भी सकते हैं आगे। मैंने ऐसा कुछ लिख दिया। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने ऑफिस में, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं ऑफिस 2016 वर्जन यूज़ कर रहा हूं। तो आपको यहां पे फाइल पे क्लिक करना है और उसके बाद सेव एज पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव एज करेंगे तो ये आपको लोकेशन पूछेगा कि कौन से लोकेशन पे आपको इसको सेव करना है। तो अभी के लिए मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया और यहाँ देखिए फाइल नेम पूछ रहा है। तो फाइल नेम आपका जो भी फाइल का नेम है वो डाल देना है। सेकेंड ऑप्शन है सेव एज फाइल टाइप और इसको आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपको पीडीएफ, आप देख सकते हैं यहाँ पीडीएफ है, इसको सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको सेव कर देना है। तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो वर्ड फाइल था वो पीडीएफ फॉर्मेट में सेव हो गया और उसमें अब कोई एडिट नहीं कर सकता। आप देख सकते हैं हमारे पास वो सेम फाइल अब पीडीएफ के फॉर्मेट में यहाँ पे खुल चुकी है और अगर हम इसको चाहें तो हम इसको एडिट नहीं कर सकते। इसको फिर से हमें कोई टूल के द्वारा इसको वर्ड में चेंज करना होगा, तभी जाके हम एडिट कर सकते हैं। तो ये उन फाइलों के लिए बहुत ज़रूरी है जो कि आप किसी के साथ शेयर करते हैं लेकिन आप चाहते हैं कि कोई वो दूसरा बंदा इसको एडिट ना करे। कोई भी फाइल जब आप शेयर करते हैं और चाहते हैं कि कोई एडिट ना कर पाए तो आप उसको पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करके उसको शेयर करा करें। तो ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं और कोरोना वायरस की संक्रमितों की संख्या बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है, तो इसलिए अपना ध्यान रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।